उंटेंट के लिए पहला जो टॉपिक है वो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें क्या पढ़ते हैं हम आप बैंक में जा रहे हैं तो आप कोई लोन ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल आपने लोन लिया पचास हजार का अगर ये सिंपल पे है तो इसमें चार्ज कितना लगेगा तो आपको कितना पे करना पड़ेगा जनरली मतलब अगर हमें कैश क्रंच आ जाता है कभी कभी तो हम क्या करते हैं बैंक को बैंक को लोन लेते हैं या किसी ऐसे बंदे से कोई फाइनेंशियल कंपनी ये जरूरी नहीं है बैंक है कोई फाइनेंशियल कंपनी है या किसी फ्रेंड से आप ले रहे हैं वो आपको इंटरेस्ट ये हो गया सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट उसमें दो टाइप्स होते हैं एक तो सिंपल होता है और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स फॉर एग्जाम्पल आपने आपके भाई के मार्केट उसको क्या करना है उसको चार पेन लाने हैं तो चार पेन कैसे लिखेंगे हम चार पेन एंड उसको कितने लाने फाइव पेंसल्स तो फाइव पेंसल्स हो गया हो गया तो इसका जो टोटल कॉस्ट होगा वो होगा फॉर एग्जांपल लेट्स से 500 तो जिसमें भी दो टर्म्स यूज होते हैं एक टर्म क्या होगी फोर पेंस एंड दूसरी टर्म क्या होगी फाइव पेंसल्स तो ये अलग-अलग टर्म्स -अलग है तो जिस किसी चीज में दो अलग अलग टर्म्स या तीन अलग अलग टर्म्स में उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन बट हमें इसमें पढ़ना है टू वेरिएबल्स तो इसमें क्या आया एक तो पेन वेरिएबल है और दूसरा क्या है पेंसिल वेरिएबल है बस नथिंग एल्स अब बोलोगे कि सर ये काम किसके आता तो मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया रियल लाइफ में इसको कैसे यूज करते हैं है, है ना या अगर आपकी कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है फॉर एग्जांपल आपको ग्राफ बनाना होगा

इस लाइन में क्या होगा या तो आप ग्राफ के थ्रू भी कर सकते हैं या मैंने आपको बता दिया कि रियल लाइफ में ये कहां से कहां पे यूज होता है फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट गए आपने मार्केट में क्या किया आ, आलू लाए लेट से आलू एक के जी ले लिया तो आ, वन के जी आलू और आपने प्याज ले लिया तो प्याज दो के जी फॉर एग्जाम्पल दो के जी ले लिया आपने टू के जी इसका जो टोटल कॉस्ट होगा वो फिफ्टी होगा तो यहां पे भी क्या है दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं नथिंग एल्स बस दिस इज ऑल इट वेबल्स से हाँ अब तीसरे जो टॉपिक है हमारा वो क्या है पर्मिटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर्मिटेशन कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थोम थॉर्म सॉरी यहां पे क्या होता है परमिटेशन कॉम्बिनेशन में देखो मैं आपको थोड़ा सा इसमें क्ल्यू देता हूं कि कैसे क्या चीजें होती है फॉर एग्जाम्पल आपके दस बंदे हैं दस बच्चे हैं आपके क्लास में आप पढ़ा रहे हैं आपके क्लास में दस बच्चे हैं इसमें फोर गर्ल्स है और सिक्स बॉयज है ठीक है फोर गर्ल्स है और सिक्स बॉय आपको इस एक रो है दस बच्चे बैठेंगे

एच आई ये गर्ल्स है तो आप क्या कर सकते हो इन पांचों में से कौन बैठेगा कोई भी बैठेगा ना यहाँ पे तो इन पांचों में से कोई भी यहाँ पे बैठेगा लेकिन इन चारों में से तो कोई नहीं बैठेगा तो अब क्या होगा एक बॉय होगा लड़से यहाँ पे ए आया तो दूसरा क्या होने चाहिए गर्ल होने चाहिए तो यहाँ पे क्या बैठेगा तो इनको अगर आपको बिठाना है चलो ठीक है आप थोड़ा सा माइंड में ये कर सकते हो प्रैक्टिकली कैसे करना है बट आपके पास अगर बीस बच्चे हैं चालीस बच्चे हैं सौ बच्चे हैं कैसे बिठाओगे नहीं बिठा सकते ना इतना तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा तो हम क्या करते हैं हमारे पास एक कंसेप्ट आता है परमिटेशन कॉम्बिनेशन I hope अब ये चीज आपको समझ आया होगा कि रियल लाइफ में आपको ये चीज काम एक्चुअली करता कैसे है ठीक है या आप कहीं पे जाते हो कॉम्बिनेशन uh, बनाने हैं, मतलब हमारे हमें तो वो तो हम बैद में पढ़ेंगे पोमेशन कहाँ पे लगता है कॉम्बिनेशन का डिफरेंस क्या है इनमें वो तो हम बैद में देखें फिलहाल इसका कंसेप्ट कि एक्चुअली रियल लाइफ में हम यूज कहाँ पे करते हैं अब आई होप अब ये चीज आपको या कहीं पे लॉटरी होती है है ना लॉटरी तो आपने देखी होगी तो लॉटरी क्या होता है वहां पे कुछ डायसिस होता है है ना तो डायसिस में आपको कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं या आ, कहीं पे कुछ चीजें आपको खरीदने हैं इसमें से चार चीजें आप खरीदने हैं लेट से टेन थिंग्स यहाँ पे है और इसमें से आपको चार चीजें खरीदनी है तो कितने वेज में आप चार चीजें इसको खरीद सकते हो या आपके पास फोन नंबर होता है टेन डिजिट का है ना तो आपको सेवन डिजिट जो है वो दिए हुए हैं पहले तो आपको पता है कि सेवन डिजिट क्या है लेकिन तीन डिजिट आप फॉरगेट हो गया है अब तीन डिजिट आपको लेकिन फोन नंबर चाहिए आप ऐसी जगह पे फंसे हो लेट से मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल देता हूं ये आपको नंबर है नाइन सेवन कुछ भी है यहाँ तक तो आपको फोन नंबर पूरा याद है लेकिन ये तीन डिजिट जो है ना ये आपको याद नहीं है तो आपके पास डिजिट्स है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन यहां तक आपको इतने सारे डिजिट्स है तो इन डिजिट्स में से आपको चूज करना है क्या ये तीन डिजिट्स तो कितने वे से कर सकते हो है ना तो आप, इसको तो टाइम लगेगा अगर हम प्रैक्टिकल रियल लाइफ में देखेंगे इसको टाइम लगेगा तो परमिटेशन कॉम्बिनेशन ने क्या किया उसने तो यही सॉल्व करके दिया कि कितने सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं फॉर एग्जांपल लेट्स से जीरो वन टू एक कॉम्बिनेशन होगी या तो लास्ट नंबर में ये आ सकता है या क्या आ सकता है वन टू जीरो आ सकता है या अगर आपको बताना है कि कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे इसमें तो मतलब बहुत सारा टाइम लगेगा तो ये क्या हुआ ये किसने प्रॉब्लम सोल्व की ये तो सिंपल है परमिटेशन कॉम्बिनेशन ने ये प्रॉब्लम सोल्व करके दी है आई होप ये चीज भी आपको समझ आया होगा इसके बाद बाइनोमियल थोम थ्योरम बाइनोमियल थ्योरम में क्या है इसमें क्या होता है फॉर एग्जाम्पल लेट से आपको क्या होता है एक्स प्लस एन का होल लेट से सॉरी लेट से आपको बाइनोमियल थ्योरम जो है वो आपको इसमें x प्लस वाई होल रेज पावर n ये एक फॉर्मूला है देखो आपको पता है ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल है ये तो छोटे बच्चे को भी पता होगा बट अगर आपके पास ऐसा नंबर आया ए प्लस बी होल रेज पर फाइव यू कैलकुलेट इट नो ना तो ये कैलकुलेट करने के लिए क्या किया बाइनोमियल थ्योरम आ गई इसने बोला कि इसके लिए एक फॉर्मूला है वो यूज होती है वो अब मैं आपको बाद में लेक्चर में दिखा दूंगा सिखा दूंगा पर यहां पे ये चीज है कि, कि किसका काम आखिर ये कंसेप्ट आया तो आया कहां से क्यों आया है इसीलिए तो आया है लेट से आपको ऐसे दिया है x प्लस थ्री प्लस वाई प्लस वाई अपॉन फाइव का होल रेज पावर 10 कैसे सॉल्व करे भाई इसको आपको आपको आपने तो खाली इतना पढ़ा है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल क्यूब पर ये कहां से पढ़ोगे यही चीज क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम में यूज करते हैं आई होप ये चीज समझ लेटर ऑन आई विल टीच दिस और इसके बाद क्या है लिमिट लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स ये किसके काम आते हैं पहले ये देखते हैं आपने आपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स कुछ पढ़ा होगा ना इलेक्ट्रॉनिक्स सर्क इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स उसी में ये ये चीज यूज होता है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए मतलब आपको डिस्टेंस uh, निकालनी है लेट्स से डिस्टेंस निकालनी है तो ना मतलब क्या होता है कि नैनो सेकेंड्स में कैलकुलेट करना जैसे लाइन गई इसका जो ये है ना कैलकुलेशन करना है ना मतलब नैनो सेकेंड बहुत छोटी माइनर मतलब आपने क्या किया बॉल जो है ऊपर खींची तो इसमें अगर आपको कुछ कैलकुलेट करना हो ना माइनर सी माइनर मतलब बहुत छोटी सी कैलकुलेशन दैट इज यूज्ड फॉर डेरिवेटिव्स अपने पढ़ा होगा कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा बट कुछ आ, कहीं सारे बच्चे क्या होंगे आर्ट्स बैकग्राउंड के होंगे तो उन्होंने नहीं पढ़ा होगा ये चीज तो मैं आपको ये चीज बता दूंगा इसमें क्या होता है लिमिट्स आ, लेट लिमिट टू इनफिनिटी क्या वैल्यू क्या होता है वो इन्फिनिटी नेगेटिव का मतलब क्या होता है यहाँ पर कौन सा वैल्यू इंप्लीमेंट हो जाता है बहुत सारी चीजें इसमें होती है वो मैं आपको लेटर ऑन बता दूंगा डेरिवेटिव जैसे डीवाई डी अपॉन डीवाई अपन डी एक्स इसमें वो चीजें याद होगी क्या पता आपने ये चीज भी देखी होगी है ना ये चीज में आपको बाद में बता दूंगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सब कुछ सेट थ्योरी बेसिक कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन आप बोलोगे कि सर ये सेट थ्योरी आकर है क्या ये काम कहां पे होता है ये क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स चीजें जो होती है ना उसमें सेट का कंसेप्ट यूज होता है जैसे बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है जो ह्यूमन का मतलब ह्यूमन सोच भी नहीं सकता उस चीज में क्या होता है सेट थ्योरी यूज होती है मतलब इसमें जैसे फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स होते हैं ए के वन टू थ्री फोर यहाँ पे बी और एक सेट है इसमें क्या होता है फाइव सिक्स सेवन है ना तो आपको ए यूनियन बी निकालना होगा आपको ए इंटरसेक्शन बी होगा जो भी बेसिक चीजें है, हैं ये कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स में ये यूज होती है रियल लाइफ में हमें ऐसे नहीं पता है बट ये क्या होता है जब बहुत सारी लॉर्ज कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होते हैं ना वहां पे ये चीजें काम आती है मतलब सुपर कंप्यूटर में ये काम ये चीजें काम आती है रिलेशन एंड फंक्शन मतलब रिलेशन uh, क्या है अगर हमने ए के कुछ एलिमेंट दिए हैं और का बी का कोई सेट है उसमें फाइव सिक्स सेवन है तो इसमें रिलेशन में क्या होता है कि ये ये जो ए के एलिमेंट्स है उनका किस टाइप का रिलेशन है बी एलिमेंट्स के साथ वन टू वन है वन टू मेनी है समझ आया वन टू वन है कौन सा वन टू मेनी है ये अभी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा होगा बट ये चीज जब हम कवर करेंगे तब आपको आसानी से ये समझा पाऊंगा मैं तो यहां पे क्या होता है कि ए और बी सेट में ए में जितने भी एलिमेंट्स है और बी में जितने भी एलिमेंट्स है इनका किस टाइप का रिलेशन है आपस में वन टू वन है वन टू मेनी है जो भी रिलेशन होगी वो हम तब देख लेंगे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट

There, how are you? ये जो मैसेज है ना इसको क्या होता है जब ये व्हाट्सएप पे आप लिखते हो ना ये उसके बहन क्या होता है जब ये सेंडिंग प्रोसेस ये कभी दिखा दिखा रहा होगा आपको जब आपका नेटवर्क वीक होगा तब जाके आपको दिखाएगा कि सेंडिंग वो सेंडिंग हो क्या रहा है भाई वो यही तो हो रहा है कि एनक्रिप्शन एनक्रिप्शन हो रहा है क्या होता है कि कोई कोड देते हैं वो इसको किसी कोड में कन्वर्ट करके देते हैं ताकि जो बीच में कोई भी हैकर आए वो अगर उसने देख लिया ये मैसेज आपकी तो आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है फिर आपने कुछ पर्सनल डेटा भेजा है तो आ, उसको सिक्योर करने के लिए ये मैट्रिस डिटरमेंट्स यूज करते हैं मैट्रिस यूज कर, करते हैं तो उसको क्या है करते हैं इस डेटा को हम एनक्रिप्ट करते हैं एनक्रिप्ट क्या करते हैं इसको कोई आपने लिखा हाय इसको मैं लिखूंगा 1 i 0 ऐसे कुछ इसको मैं इस कोडिंग में देखूंगा ताकि जो बीच वाला देखेगा वो देखेगा i o इसका मतलब क्या है ओरिजिनल डेटा उसको ना पता चले ठीक है अब जब वो रिसीवर पे आ जाता है जब रिसीवर रिसीव वो करता है तो उस पे क्या होता है डिक्रिप्शन आपको ये चीजें याद नहीं रखती है, है डिक्रिप्शन क्या होता है नहीं बस मैं आपको समझा रहा हूं ये चीजें होती क्या है एक्चुअल में भाई थ्री डी टू डी मैट्रिस यूज होता है थ्री डी मैट्रिज यूज होते हैं जैसे आपने गेम्स खेले होंगे गेम्स में क्या होता है भाई वहां पे आपने देखा होगा कि थ्री डी इमेज आते हैं थ्री डी पिक्चर्स आते हैं या जो भी होता है अब वो थ्री डी यूज करने के लिए क्या होता है उसकी सिक्योरिटी के पीछे भी मैट्रिस जैसी चीजें यूज हो जाती है प्रोबेबिलिटी आपको तो पता ही है आप, आपके पास सिक्स डाइज है आपने पता देखा होगा ना वो डाइस जिसमें सिक्स फेसेस हो, फेसेस होते हैं ऐसा कुछ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसा है ना जब वो मूव करते हैं तो ऊपर नंबर क्या आएगा अब बता सकते हैं नहीं बता सकते ना बट उसमें नंबर क्या आएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इनमें से ही कोई नंबर तो आएगा है ना तो ये चीज है या आप कोइन टॉस करते हो कोइन टास्क जब करते हो उसमें हेड टेल होता है तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कितनी चांसेस है कि हेड आए और या कितने चांसेस है कि टेल आए आपने दो कोइन ट्राई किया है टी टी मतलब दो कोइन सॉरी एक मिनट टू कोइन टॉस किए आपने एक दो इसमें भी क्या होगा हेड टेल इसमें भी क्या होगा हेड टेल आपको वो बोलेगा कि बताइए मुझे अगर दो कोइन टॉस करेंगे कि प्रोबेबिलिटी कितनी है कि हेड आए एक क्वीन पे तो आप बता सकते हो ना हाँ आप बता सकते हो इजिली नो मैटर अब तीन कोइन है चार कोइन है पांच कोइन है अब पांच कोइन को टॉस जब करते हैं तो आपको क्या देखना होगा कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि हेड आए एक कोइन पे तो वहां पे आप ऐसे तो कैलकुलेट करोगे बट उसमें बहुत टाइम लगेगा तो ये प्रोबेबिलिटी है ना ये इस चीज के लिए काम आती है ये आपको कैलकुलेट करके देगा कि पांच को जब टॉस करती है तो कितने में चांसेस या आपने कार्ड खेला होगा ना कार्ड होगा तो अगर आपने कोई कार्ड रेंडमली पिक किया तो वो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि उसमें किंग आए कैसे निकालोगे भाई ये चीज प्रोबेबिलिटी में काम आता है प्रोबेबिलिटी का काम तो यही है निकाल के देना हमारा काम बहुत आसान करके देना अब क्या होता है कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स एंड ज्योमेट्री क्या होता है देखो आपने कोई ट्रायंगल देखी होगी हाँ सबने देखी होगी ओब्वियसली फिफ्थ में नाइन्थ में टेंथ में ये तो उतना है नहीं ये ए है ये बी है ये सी है आपने साइज देखा होगा फाइव थ्री फोर ये आप है ये है जो भी है ये फाइव होगा ये फोर होगा ये थ्री होगा जो भी होगा जैसे भी ट्रायंगल होगा आ, मतलब ये चीज मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको बोलेंगे कि इसका एरिया बता दीजिए आप इजी नहीं निकाल सकते कोई भी फॉर्मूला यूज करके जो भी एरिया का है बट अगर आपके पास ट्रायंगल है उसमें साइड्स गिवन नहीं है उसमें क्या है कोऑर्डिनेट्स है इसका कोऑर्डिनेट जो है वो थ्री फोर है वन टू है इसका क्या है फोर टू है आपको इसका एरिया निकालना होगा तो कैसे निकालोगे यहां पे तो कोऑर्डिनेट सिस्टम ही यूज होता है ना इस चीज में हम क्या करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं हैं फिर हम मैं अब आगे बता बता दूंगा आपको कि इसका एरिया कैसे निकालते वो दूसरी चीज है ठीक है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक आ, आपको पता ही होगा ये y एक्सिस होती है ये x एक्सिस होती है तो यहां पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं अभी मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे होता है वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर ऐसे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे थ्री थ्री फॉर एग्जाम्पल बनेगी यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बनेगी इसको क्या बोलेगा यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे आपको बोलेगा इस वाले ट्रायंगल का एरिया बता दीजिए आपको आपको मैं वो दिखा दूंगा कि कैसे निकालना है बट है इसको समझिए थोड़ा सा ये होता है कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब हमें साइड गिवन नहीं है बट हमें गिवन है तो उन चीज को हम लेके कैसे एरिया निकाल सकते हैं वो मैं आपको अलग से वीडियो में बता दूंगा थ्री डी थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री भाई ये चीज तो कंसेप्ट है सिनेमा गया कोई थ्री डी सिनेमा वहां पे अगर आप मूवी देखोगे ना वहां पे पूरा जैसे लग रहा है ये मेरे सामने है वो कैसे है वो थ्री डी ज्योमेट्री के सी मदद से आया है या सिनेमा कोई नहीं गया हो थ्री आपने देखा होगा वो क्यूब क्यूब कैसे होता है आपको पता है स्क्रीन पे मैं दिखा नहीं सकता थ्री डी जोमेट्री का कोई भी एग्जाम्पल आप लीजिए कि ये है अब जो अंदर वाला फेस है ये वाला ये आपको दिखेगा नहीं स्क्रीन पे ना आपको बस खाली इतना दिखेगा है ना फेस दिखेगा इसका तो इसमें क्या होता है कि इसमें थ्री डी इसमें भी कुछ डायमेंशन दिए होंगे कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं इसमें भी कुछ कोऑर्डिनेट दिए होते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक्स एक्सीज है और वाई एक्सीज है यहां पे क्या है ये वाला एक्स एक्सीज और वाई एक्सीज है लेकिन यहां पे दो ही है ना बट यहां पे क्या होता है ऐसे एक लाइन होती है जो क्या होता है यहां से ये लाइन जो है ना ये आपको ऐसे दिखेगी बट ये अंदर की तरफ है इस पॉइंट के सामने यहां से सीधे देखोगे ना ये इसके पीछे है ये लाइन को ऊपर मत समझिए समझिए ये ये इस लाइन जो पॉइंट है ना इसके पीछे है ये लाइन क्योंकि इस स्क्रीन पे मैं दिखा नहीं सकता थ्री ऑब्जेक्ट तो इसमें क्या होता है एक्स वाई जेड एक्सीज तीन थ्री एक्सीज यूज होता है तो इसका जब हमें एरिया निकालना होगा वो हम इस जब हम इसको एरिया निकालेंगे वो किसकी मदद से निकाल सकते हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की मदद से आई होप ये चीज आपको समझ मैं आपको इंट्रोडक्शन uh, के वीडियो में इसका बता दूंगा कि कैसे क्या चीजें होती है वेक्टर्स वेक्टर्स भाई क्या होता है वेक्टर्स क्या होता है कि आपको आपने देखा होगा कि कोई भी चीज होगा uh, जैसे वेक्टर क्वांटिटी होती है साइंस में पढ़ा होगा आपने उसमें क्या होती है डायरेक्शन होती है तो जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन फाइंड करनी होगी ना तो हम उस चीज में क्या यूज करते हैं वेक्टर्स यूज करते हैं कई सारे बंदों को ये पता नहीं होगा उन्होंने पढ़ा भी होगा ये सब चीजें बट पता नहीं होगा कि एक्चुअल रियल में रियल लाइफ में ये चीज पता होना चाहिए नो मैटर एग्जाम में पूछे ना पूछे नो मैटर बट ये चीज पता होना चाहिए कि कहां पे यूज होता है अगर ये आपको पता है कि कहां पे यूज होता है तो आपको चीजें जो है समझने में बहुत आसान हो जाएगा आप इजीली चीजों को समझ पाओगे दैट इज आई कि रियल लाइफ में ये चीजें कहां पे यूज होती है वेक्टर्स क्या होते हैं कि डायरेक्शन जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसी भी ऑब्जेक्ट का या डायरेक्शन फाइंड करनी होगी किसी ऑब्जेक्ट की तो हम इसमें वेक्टर्स यूज करते हैं तो आई होप ये वीडियो आपको uh, समझ आया होगा तो हम नेक्स्ट uh, लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे इनको एक एक करके टॉपिक को पढ़ाना तो आई होप इंशाला थिंग्स विल बी इजी तो थैंक यू कीप वॉचिंग एंड लर्निंग